वफादारी मिलेगी हर रिश्तों में जब बात होंठों से नहीं नोटों से होगी। जिनमें सच बोलने की क्षमता होती है सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है। दुश्मन चाहे कितने भी हो पर दोगला यार एक भी न हो। जिंदगी के खेल में हार न मानना जिंदगी की सबसे पहली शर्त होती है। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जिंदगी में अगर सम्मान चाहते हो तो थोड़ा अहंकार रखना ही पड़ेगा। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। कुछ लोगों के नज़रों में आप कभी भी अच्छा नहीं बन पाएंगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों न कर लो। उनकी नज़रों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं। यह कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उनकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाते हैं। कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आपने एक बार भी गलती से गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही ख़त्म कर लेते हैं। जो इंसान जितना अच्छा होता है वो इंसान उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ नाराज कभी मत होना जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हैं। कितना नादान है ये मेरा दिल, ये उसके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ हैं ही नहीं। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होती है और हमेशा पश्चाताप पर ख़त्म होती है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है और डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। मतलब की बात तो सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई कोई ही समझता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। ये रिश्ता भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़र बता देती है कि सूरत कैसी है और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। अगर शेर के साथ रहोगे तो वो आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं शेरों का संग रहना सीखो। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल रखिए। जिसने थोड़े से ही में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग ऊपर वाले को बहुत पसंद आते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। हर रिश्ता की अपनी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही सही होता है। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई हो ही नहीं सकता। अपना अस्तित्व तो बचाने का एक ही तरीका है, प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहाँ आज आप हो वहाँ कल कोई और है। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को कुर्बानी दे देता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है।
जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने में जो आपकी कदर नहीं करते। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना ही चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। सहना चाहिए, मौके पर कुछ कहना भी चाहिए और जिंदगी में शांति से रहना भी चाहिए। आज ये जो मेरे हालात हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नज़रों से उतर जाएंगे। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर होता है। जहां आपकी गलती न हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत न हो वहां रुको मत। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है, आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें आपका स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी बदनामी का कारण बनती है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलबों से नहीं। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाना बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। जिंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांसें और दूसरा साथ। सांसें टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। थोड़ा ध्यान से रिश्ता बनाइए, क्योंकि यहाँ दिखाने वाले ज़्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम हैं। दुआ में याद करने के ज़माने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं, कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना बुरे होने से भी बुरा होता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना भी जरूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। वफादारी मिलेगी हर रिश्तों में जब बात होंठों से नहीं नोटों से होगी। सांसों में अगर जीत का नशा हो तो जख्म कहाँ मायने रखते हैं। ये महंगाई का दौर है दोस्तों, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हम अकेले जरूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं।